खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। 11 जून 2019 को आज यहाँ पे जिला वाराणसी में चौकाघाट में सेवा योजना कार्यालय में जो है कि रोजगार मेला लगा है। जहाँ पे देखा जाए तो लगभग रोजगार मेले में जो है कि पढ़ लिख कर युवाओं हजारों लोग उपस्थित थे। यहाँ पे रोजगार मेले के लिए आए थे हम, लेकिन यहाँ पे हम लोग योग्यता अनुसार कोई कंपनी वैसी आई। तो कितना योग्यता मांगे हैं इसमें? योग्यता आने सब टेक्निकल ही हो, टेक्निकल कोई का वर्क है, म्युनिसिपल टेक्निकल हुआ, आईटीआई हुआ, बीजीए हुआ, बीजीए काम हुआ, उसके लिए कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे किस तरह का आप लोगों को रोजगार मिला है कुछ क्या पता चला? मैंने में होटल मैनेजमेंट का मिला, टाटा कंपनी का है, रेलवे का है, अच्छा हर कंपनी का है, इसमें तीन चार होती है। तो आपने किसको चूज किया? हमने तो रेलवे टाटा में हेमचंद कंपनी। उम्मीद है कि कब तक लिए मिल सकता है? बोलने की एक हफ्ता में आपके कॉल जाएगा, उसमें ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे किन किन लोगों को रखा जाएगा, कैसे कंपनी आया? ऐसी कंपनियाँ जैसे मार्केटिंग की इतनी ज्यादा है, ये आपको इतना आपको प्रॉफिट जितना देंगे उतना आपको मिलेगा। वही सर सेल वाला ज्यादा काम है और हम लोग टेक्निकल वाले यहाँ पे जो रोजगार मेला लगा है, देखिए इस तरह के बच्चों को यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा। मैडम जो भी ग्रेजुएशन किए हों या जो भी बेरोजगार युवक हो, ग्रेजुएशन से कम भी पढ़ाई किए हो, अलग अलग कंपनी काफी सारी आप जैसा देख रहे हैं, काफी सारी कंपनी आई हुई है, ये अलग अलग तरह का रोजगार मुहैया करा रही है। तो लगभग कितने कंपनियाँ आज यहाँ पे उपस्थित हैं? अगर आप देखें तो लगभग 14-15 कंपनी यहाँ पे। अच्छा सर, तो उसमें सारे बच्चे जो भाग लेने वाले हैं सर, तो क्या जिनको रोजगार आज फार्म भरा जा रहा है कि मतलब रोजगार भी आ गया? देखिए कंपनी बेसिकली रिज्यूमे ले रहे हैं, रिज्यूमे लेके फिर अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोसीजर है, कुछ कंपनी टेस्ट लेंगे, कुछ कंपनी इंटरव्यू देंगे, जिस हिसाब से जिसका प्रोसीजर होगा वो अपने यहाँ पे कंपनी पे बुलाएंगे और वहाँ पे इंटरव्यू। सर ये वाराणसी में रहेगा कि बाहर भी? वाराणसी की भी, तो अभी आज जैसे आप देखेंगे तो ज़्यादातर कंपनी वाराणसी की ही आएगी। हमारे साथ 6 से 7 कंपनियां काम कर रही हैं, इस कंपनी के साथ जुड़ के हैथवे है, एयरटेल है, इसके साथ हम लोग जियो है, ठीक है, टाटा है, ये सारी कंपनियों के साथ हम लोग का वर्क चल रहा है। तो इसमें जो बच्चों के लिया जा रहा है तो उनके मतलब कितने एजुकेशन होगी, इसे पढ़ाई लिखाई? हम ग्रेजुएट ले रहे हैं, नॉन ग्रेजुएट दोनों रहते हैं, डिपेंड करता है कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है उसके ऊपर। अच्छा, तो यहाँ पे लगभग जो बच्चे आए थे क्या तुरंत उनको मिल जाएगा रोजगार, मतलब आज फार्म ही जमा करें? नहीं, आज आज उनके लिए हमारी ऑफिस है महमूदगंज बैंक कॉलोनी में, वहाँ से हमारा फर्स्ट इंटरव्यू यहाँ हो रहा है, सेकेंड इंटरव्यू उनका वहाँ होगा, उनकी सिलेक्शन हो जाएगी, उनकी सैलरी वही डिसाइड होगी और वहाँ से उनकी जॉब तुरंत इमीडिएट स्टार्ट हो जाएगी। हम थे देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें, वेबसाइट पर सदस्य बने।